हेलो एवरी वन एंड वेरी वम वेलकम टू शिक्षा गाइज सो गाइज दिस इज़ आर सेशन नंबर सेवेंटीन फॉर नबार्ड आंसर राइटिंग ठीक है सोलह क्वेश्चनस को डिस्कस कर चुके हैं एंड वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हेयर बड़ा इजी क्वेश्चन मैंने दिया था क्वेश्चन अभी दिखा देता हूँ जिन बच्चों ने नहीं लिखा और दे वर वेटिंग फॉर सम रेफरेंस मटीरियल टू राइट दैट आंसर ये रेफरेंस मटीरियल मिल जाने के बाद एटलीस्ट उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा जब तक आंसर लिखोगे नहीं तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन मेस, आते हैं टेलीग्राम के ऊपर मैसेज आते हैं कनेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली बच्चे ये कहते हैं कि सर स्पीड नहीं आ रही जो जनरल से पॉइंट्स बच्चे हाईलाइट करते हैं वो क्या है सर स्पीड नहीं आ रही हमारी सर हम इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे या कंक्लूड नहीं कर पा रहे या हम बॉडी के अंदर हमें पॉइंट्स नहीं मिल रहे कंटेंट नहीं मिल रहा तो मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ये होता है कि तुमने आंसर राइटिंग को शुरू कब से किया वो कहते हैं सर अभी बस जब मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद से अच्छा मेंस का रिजल्ट आने के बाद कितने आंसर लिख लिए बस सर दूसरा तीसरा आंसर लिखा तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोज देख लो कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर फॉर न ये वीडियोज देखने से आंसर नहीं आता है। मेरी वीडियो देखने से भी नहीं आएगा अगर मैं ये कह दूँ ना कि बाकी तो बेवकूफ़ हैं तुम मेरी वीडियो देखो और मेरी वीडियो देख करके तुम्हें आंसर लिखना ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारे नंबर ही नंबर की बारिश हो जाए तो फिर ये समझ लेना कि मैं अभी तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ ठीक है लेकिन मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊंगा नहीं आंसर राइटिंग के अंदर आपको कंटेंट दिया जा सकता है आपको हेल्प किया जा सकता है लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा होगा नहीं जब तक आप अपने आप से आंसर को खुद से टाइप नहीं करते और आंसर को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जब क्वेश्चन आता है बच्चे अक्सर क्या करते हैं क्वेश्चन देख करके पहले सोचते हैं कि मैं इसके ऊपर कुछ कंटेंट ढूंढ लूँ उसके बाद इसका आंसर लिखूं यह सबसे गलत अप्रोच है स्पेशली तब जब आपका पेपर है जिस महीने आपका एग्जाम है उस महीने अगर आप ये वाली अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो आप एक बर्बाद अप्रोच फॉलो कर रहे हो आपका काम ये है कि आप क्वेश्चन को देखो और जो भी उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग के अंदर आप आइडियाज गैदर कर पाते हो उसको आप अपने आंसर के अंदर डाल दो क्योंकि पेपर के अंदर तो आपको ऐसा कुछ है नहीं ना कि आपके आपको वो एक लैपटॉप अलग से देगा कि हाँ भाई क्वेश्चन देख करके इसके अंदर कंटेंट ढूंढ लियो और फिर लिख लियो वो वाला तो सिस्टम अपने यहाँ पर है नहीं तो डेफिनेटली पेपर के अंदर भी क्वेश्चन देख करके आंसर करना पड़ेगा वहां से आपको गूगल के थ्रू या विकीपीडिया आपको हेल्प करने आने वाला है नहीं तो अगर अब आप इस साल का नबार्ड का पेपर दे रहे हो और आप ये अप्रोच फॉलो कर रहे हो कि क्वेश्चन देख करके पहले तो मैं अच्छा अच्छा कंटेंट ढूंढता हूँ तो आप बेवकूफी कर रहे हो फिर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उस टाइप की प्रैक्टिस हम तब रिकमेंड करते हैं जब बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे होता है और पेपर बच्चे ने छह महीने बाद या आठ महीने बाद देना होता है तब हम कहते हैं कि हाँ ठीक है शुरू शुरू में तू रेफरेंस लेकर के आंसर लिख ले पर जब पंद्रह दिन बाद पेपर है तो ये अप्रोच बिल्कुल चलेगी नहीं ठीक है और नॉन एम कोर्स आप जानते हो कि अवेलेबल uh, है तीन सौ रुपये आपको वैल्यू पड़ती है डिस्काउंट के बाद तो काफी एक अच्छा कोर्स है जिसको आप प्लीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करें क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है हाईलाइट द वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट डिजिटल एग्रीकल्चर इन द कंट्री डिजिटल एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए कौन से वेरियस इनिशिएटिव्स जो है वो सरकार ने लिए हैं पंद्रह नंबर में आपका एक क्वेश्चन है सिक्स हंड्रेड वर्ड्स के लिए ठीक है फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है ओके तो बेसिकली यहाँ पर सीधा सीधा सर सवाल है यहाँ पर ज़्यादा घुमावदार सवाल नहीं है आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को हाईलाइट करना है तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दोगे बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन खींचने की ज़रूरत नहीं है जैसे कई बच्चों का आंसर इसके अंदर जो मेरे पास आया उसके अंदर उन्होंने इंट्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा खींचा हुआ है पर जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बैंग ऑन क्वेश्चन है कि इनिशियेटिवस हाईलाइट करो आप इंट्रोडक्शन अगर थर्टी फोर्टी वर्ड्स में कंप्लीट uh, कर दो फोर्टी टू फोर्टी वर्ड्स के अंदर कंप्लीट कर दे रहे हो तो वो सफिशियंट है उससे ज़्यादा लंबा उसको मत खींचो ठीक है लेटेस्ट सी हाउ वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे वही अब ये न्यूज में था अभी इसी वजह से ये क्वेश्चन भी मैंने बनाया था अगस्त के अंदर बेसिकली ये न्यूज़ था न्यूज़ में क्यों था क्योंकि एक कमेटी बनी थी डबलिंग फार्मर इनकम के ऊपर तो उसमें इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या बोला ये कमेटी कहती है ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना ये इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले करती है डिजिटल टेक्नोलॉजी एक ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले करती है जब हम बात करते हैं मॉडर्नाइज करने की रूरल इंडिया को या इसके अंदर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं ये रूरल इंडिया uh, जो है इसको एक ऑर्गेनाइजिंग वे में लेकर के आने के लिए जो आपकी डिजिटल uh, टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो एग्रीकल्चर के वैल्यू सिस्टम के अंदर बढ़ता जा रहा है एंड फार्मर्स विद टाइम बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो फार्मर है वो और ज़्यादा इंफॉर्म्ड हो रहा है और बहुत सारे मेजर्स भी लिए जा रहे हैं कि उनको जो टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन का एक्सेस है ना वो इजीली अवेलेबल कराया जा सके और इसीलिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को शुरू किया है टू पुश डिजिटल एग्रीकल्चर अब ये एक लाइन मेरी कनेक्टिंग लाइन बन जाएगी ठीक है और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने आंसर के साथ तो इनिशियेटिव में सबसे पहले आइडिया ये सबसे प्राइमरी एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो आज की डेट में चल रहा है आइडिया बेसिकली क्या है इट स्टैंड फॉर इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क आपसे ये ऑब्जेक्टिव के अंदर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ठीक है तो बेसिकली ये एक तरह का कंबाइंड फार्मर डेटाबेस क्रिएट करने की बात करता है ये जो आइडिया प्लेटफॉर्म है जितनी भी स्कीम्स है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो भी मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स है उससे रिलेटेड जो भी डाटा है उसको भी यहां पर इंटीग्रेट किया जाएगा एंड आइडिया को यूज किया जाएगा कि कैसे एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए इनोवेशंस को क्रिएट किया जा सके कैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जा सके एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ताकि इंडिया के अंदर एक बेटर एग्रीकल्चर इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके एंड अल्टीमेटली ये इकोसिस्टम सरकार को हेल्प करेगा कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ और फार्मर्स के इनकम इंक्रीज़ करने के लिए बेटर प्लानिंग की तरफ जा सके ठीक है ये आ गया आपका आइडिया इनिशिएटिव उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर यहां पर क्या होता है यहां पर देखो फंड दिए जाते हैं किसको दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं यूटी गवर्नमेंट को दिए जाते हैं फंड किस लिए दिए जाते हैं फंड उन प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर कोई डेवलपमेंट है ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई डेवलपमेंट है तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर एक दूसरा इनिशिएटिव आ गया तीसरा इनिशिएटिव आ जाता है आपका सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेशन जो अप्रैल 2014 से इंप्लीमेंट इसको किया जा रहा है अब ये स्कीम क्या कहती है कि जो अनरीच्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर है या अनरीच्ड फार्मर्स हैं उन तक हमें बेनिफिट्स लेकर के जाने हैं जो हैं आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ठीक है इनको हमें बेनिफिट देना है फार्म मैकेनाइजेशन का मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट स्ट्रेंथ uh, टेक्नोलॉजी का इनको जो है हमें बेनिफिट देना है चाहे फिर उसके लिए हमें कस्टम हायरिंग सेंटर्स को प्रमोट करना पड़े जहां पर फार्मर्स जो हैं वो हायर के ऊपर जो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज एंड इंप्लीमेंट्स को uh, ले सकते हैं ठीक है उसके अलावा हाई टेक एंड हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट्स हमें क्रिएट करनी है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है अब आप टेक्नोलॉजी तो बना दोगे लेकिन उस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट भी तो करना है उस फार्मर को उसको यूज करना भी तो सिखाना है ठीक है परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया सर्टिफिकेशन हो गया तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी उसके अलावा जो नेक्स्ट इनिशिएटिव आ जाता है दैट इज योर ये ज्यादातर हर बच्चे ने अपने आंसर के अंदर मेंशन किया है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये क्या है पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रो, प्रो, आपका पोर्टल है इसमें बेसिकली क्या होता है ये जो एग्जिस्टिंग मंडीज़ का एक क्रिटिसिज्म था उसको काउंटर करता है यहाँ पर जो फार्मर है वो डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस जो है वो सेल कर सकता है यूनिफाइड मार्केट के अंदर ठीक है एंड इसके अंदर आपको वेरियस सर्विसेज डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं चाहे वो ट्रेडर हो फार्मर हो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो ठीक है तो वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स के अंदर फार्मर जो है या एफ जो हैं वो अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं उसके बाद पीएम किसान स्कीम आ गई अब पी किसान स्कीम सारा डिजिटल सिस्टम के ऊपर ही तो बेस्ड है जहां पर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो फार्मर्स के अकाउंट में तीन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर तो उसके अंदर डिजिटाइजेशन आ गया ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप कर रहे हो बैंक अकाउंट्स के अंदर ठीक है अब इसके लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया हुआ है एक ऐप भी बनाया हुआ है जहां पर आप पोर्टल के ऊपर फार्मर जाकर के सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है तो ये डिजिटाइजेशन का फायदा ही है ना उसको अब अपने काम को छोड़ करके दस uh, किलोमीटर दूर क्योंकि गांव-गांव में हर जगह पर तो पीएम किसान की रजिस्ट्रेशन करने वाले सेंटर खोल नहीं सकता तो मेनली शहर में ही खुलेंगे अब अल्टीमेटली किसान को दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है वो वहीं पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने का मैकेनिज्म जो है उसके लिए बना दिया है ठीक है उस, उसके अलावा पीएम किसान का मोबाइल ऐप भी है ये फार्मर को हेल्प करता है कि वो अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर ले कि क्या उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई रिजेक्ट हुई ठीक है तो अगर कोई अपडेट करना चाहता है कोई नाम करेक्ट करना चाहता है जो भी करना चाहता है वो मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकता है किसी के ऊपर उसको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग स्कीम जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जिसको एग मार्क नेट भी बोला जाता है इसका बेसिकली काम क्या है कि कैसे मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करके चाहे वो स्टेट है स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कॉपरेटिव या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हैं कैसे इन सबको हेल्प किया जाए या सब्सिडाइज किया जाए फॉर क्रिएटिंग द मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है अब इसके लिए हमने एक एग मार्क नेट ये क्या है ये एक पोर्टल है ये जी टू सी ई गवर्नेंस पोर्टल है जी टू सी क्या होता है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर ओके जो वेरियस स्टेक होल्डर्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनको हेल्प करता है चाहे वो फार्मर हैं इंडस्ट्री है पॉलिसी मेकर्स हैं सिंगल विंडो एक प्लेटफॉर्म है पूरे का पूरा जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है वो वेब बेस्ड होता है अब इसके अंदर आप ये भी देख सकते हो कि जो कमोडिटीज़ हैं कमोडिटीज़ का डेली अराइवल कमोडिटी के डेली प्राइसेस जो मार्केट के अंदर हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपडेट होते रहते हैं तो एक इजीनेस जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को मिल जाती है बिकॉज दे आर अवेयर कि क्या प्राइस चल रहा है क्या क्वान्टिटी अवेलेबल है क्या नहीं है नेक्स्ट आ जाता है जी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये एक लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस फैसिलिटी है इसके ऊपर तो हमने एक डिटेल्ड पूरे का पूरा लेक्चर भी किया है जो हमारी स्कीम्स वाला जो एग्रीकल्चर स्कीम्स वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ठीक है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स को डेवलप करने के लिए ये पैसा जो है फाइनेंस करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट देगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ठीक है नॉ इसके अंदर भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है देखो हर स्कीम के अंदर भी हमने डिजिटल एलिमेंट्स को लेकर के आए हैं ठीक है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटाइजेशन को तो हेल्प करेगा ही करेगा ये डिजिटल इकोनॉमी को एनकरेज भी करता है क्योंकि यहां पर जो इंटरेस्ट सब या फाइनेंशियल असिस्टेंस के मैकेनिजम हैं वो सब डिजिटली प्रोवाइड किए जाएंगे ठीक है अगर कोई अपना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रहा है तो अब इंसानों का लेन देन नहीं है हमने लोगों का इंटरेक्शन जो है वो मिनिमम करना है डिजिटल इकोनॉमी के अंदर हम यही बात करते हैं क्योंकि उससे फिर करप्शन कम होगा नेशनल मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर के ऊपर आ जाओ जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए है अब इसके अंदर भी एक प्रोजेक्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं हॉटनेट ये एक वेब एनेबल्ड सिस्टम है जहाँ पर आपके जो भी एम आई डी एच मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है वो इसी आ, वेब पोर्टल के थ्रू होती है उसके अलावा पूरे का पूरा जो वर्क फ्लो है इस स्कीम को रन करने में अगर कोई ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है सब्सिडी के लिए फाइल लगा रहा है फिर उसकी ऑथेंटिकेशन प्रोसेसिंग ऑनलाइन पेमेंट सब कुछ जो है इस पोर्टल के थ्रू होगा तो एवरी इज डिजिटाइज अगेन फार्मर के लिए ईजी हो जाता है एक्सेस ठीक है और करप्शन के चांसेज जो है वो ऑटोमेटिकली कम आ जाएंगे नेशनल प्रोजेक्ट एंड सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी ताकि फार्मर्स को सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो इशू किया जा सके न्यूट्रिएंट एन से रिलेटेड एंड सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल जो है आ, ये अवेलेबल है जहां पर फार्मर अपने जो भी उन्होंने सॉयल का सैंपल दिया है उसकी रिपोर्ट वगैरह को ट्रैक कर सकते हैं इजीली अगेन उन्हें धक्के खाने की जरूरत नहीं है किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन है ये बेसिकली एक तरह का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को इनकरेज करता है ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड uh, करने के लिए फार्मर्स के अंदर वेरियस इश्यूज से रिलेटेड जैसे वेदर रिलेटेड फोरकास्ट हो गए मार्केट प्राइस हो गए प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हो गई जो वेरियस इनपुट्स uh, होते हैं एग्रीकल्चर के उनके जो डीलर्स हैं जैसे सीड्स बेचने वाले पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स वाले इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई सॉयल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई कोल्ड स्टोरेज गोडाउंस वेटरनरी सेंटर्स डायग्नोस्टिक लैब्स हर चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपको किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मिल सकती है ठीक है तो फार्मर जो है वो बेटर इन्फॉर्म हो जाता है उसको प्राइसेस वगैरह का भी सब पता चल जाता है तो अपना सही समय पे सही दाम पर वो बेच देगा उसके बाद आई इन्होंने सौ से ज्यादा मोबाइल ऐप्स जो आई ने डेवलप किए थे या अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने डेवलप किए थे उनको कंपाइल किया गया ठीक है और कंपाइल करके वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया अब ये अलग अलग मोबाइल ऐप्स हैं कोई को, को, कुछ क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल हैं कुछ हॉर्टिकल्चर वेटरनरी अलग अलग एरियाज के अंदर तो वो एक सिंगल uh, प्लेस पे उन्होंने ला करके वो एप्स uh, का जो प्लेटफॉर्म uh, है वो क्रिएट कर दिया है फार्मर्स के लिए ताकि जिसकी जो रिक्वायरमेंट हो वो उसके हिसाब से ऐप डाउनलोड करके उसमें काम कर सके उसके अलावा गवर्नमेंट एसएमएस के थ्रू एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है क्रॉप रिलेटेड मैटर्स के ऊपर अगेन जो फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और एक गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर को डिजिटाइज करने के लिए तो ये इनिशिएटिव्स हैं इसके अलावा आप और भी इनिशिएटिव्स को मेंशन कर सकते हो ठीक है क्योंकि 600 सौ वर्ड का आंसर है तो कहीं ना कहीं तो आपको रोकना ही पड़ेगा उसको एंड अल्टीमेटली फिर आप कंक्लूजन कर दोगे कंक्लूजन इसके अंदर छोटा रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत लंबा ना रखें क्योंकि अब सरकार के इनिशिएटिव्स के ऊपर ही क्वेश्चन था तो डेफिनेटली इसके कंक्लूजन में आपको इनिशिएटिव्स को एज ए एग्जाम्पल यूज करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर एक स्ट्रेट कंक्लूजन और सादा सा कंक्लूजन आप रख सकते हो कि वेरियस इनिशिएटिव जो सरकार ने लिए हैं द वेरियस टेकन बाय द गवर्नमेंट शोज द रिजॉल्व टू डिजिटाइज इंडियन एग्रीकल्चर टू मेक इट कॉम्पिटेटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट देश के एग्रीकल्चर को ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए और जो तो डबलिंग फार्मर इनकम का गोल है उसको अटेन करने के लिए जरूरी क्या है जरूरी ये है कि ये जो स्कीम्स हैं इनको ग्राउंड लेवल के ऊपर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके ठीक है तो ये एक एग्जाम्पल है इसी तरीके से आप और कोई कंक्लूजन भी दे सकते हैं इसके साथ हमारा ये आंसर खत्म हो जाएगा अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी हाईलाइट द वेरियस इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज को आपने डिस्कस करना है पंद्रह नंबर का ये क्वेश्चन है छह वर्ड्स के अंदर लेक्चर नंबर एटीन के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों ने भेजा भी है टेलीग्राम पे इसको लिख करके लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं भेजा है तो अब लिख करके जरूर भेजें उसको हम रिव्यू करेंगे with this we come to the end of this lecture guys and we'll see you in the next lecture if you haven't subscribed the channel usko to pehle subscribe kar do and acha laga ho to comment karke zarur bata dena ki ha sir maza aaya कुछ गलत लगा हो तो वो भी comment करके जरूर बता देना कि sir यहाँ पर कुछ गड़बड़ है या ये improvement की requirement है मिलेंगे हम next lecture में Till then take care and bye.